वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे और है डिफरेंस बिटवीन L2 स्विच एंड L3 स्विच। सो डिफरेंस L2 स्विच में क्या है एंड L3 स्विच में क्या क्या डिफरेंस है, मैं आज आप लोग के लिए टोटल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा एंड उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे जो L2 स्विच एंड L3 स्विच का, एंड इसके बाद हम लोग GNS3 में कैसे L3 स्विच को इंटीग्रेट करते हैं वो भी आज आप लोग के लिए टोटल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो मेरा ऑनलाइन कोर्सेस स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर CCNA, CCNP एंड सिक्योरिटी वगैरह स्टार्ट हो चुका है एंड इसके बाद यहाँ पर आपको टोटली लैब भी मिल जाएगा एंड प्रैक्टिकल एंड लैब एंड स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर आपको टोटली मिल जाएगा। कोर्स ड्यूरेशन ओनली फॉर 3 मंथ्स है CCNA एंड CCNP के लिए एंड क्लास एंड डेट एंड टाइम ओनली सैटरडे संडे रात 8 बजे से हो जाएगा स्टार्टिंग। आपको सैटरडे संडे में कोई भी प्रॉब्लम है क्लास करने में आप ऑफ डेट भी चूज कर सकते हैं, कुछ भी टाइम भी मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड न्यू क्लासेस स्टार्टिंग एवरी मंथ, सो न्यू बैच स्टार्ट हो जाती है एवरी मंथ से। यहाँ पर आपको बहुत सारा कोर्सेस अवेलेबल मिल जाएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 R2 एंड 2016 रेड हैट लिनक्स, अमेजन वेब सर्विस, VMware, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, एक्सचेंज सर्वर एंड एंड्रॉयड एंड बहुत सारा कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो जिन लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस ईमेल आईडी में आप रिप्लाई करिए। तो एंड आप कहाँ पर रहते हैं एंड आपका कौन सा कोर्स करना चाहते हैं एंड इसके बाद आपका फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो हम लोग आपके साथ टोटल कांटेक्ट करेंगे। देन आपको मेल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप नेटवर्किंग गुरुजी नाम से एक फेसबुक का जो पेज है आप वहाँ पर भी जाके आप लोग टोटल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोग के लिए थ्योरी टोटल देख लेता हूँ, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन L2 स्विच एंड L3 स्विच। तो देखिए डिफरेंस L2 स्विच एंड L3 स्विच में क्या क्या डिफरेंस है मैं पहले आप लोग को बोल देता हूँ, बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना है। जो L2 स्विच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड L3 स्विच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो L2 स्विच के ऊपर हम लोग टोटली काम कर चुके हैं, जो L2 स्विच L3 स्विच जैसा उसमें थोड़ा सा आपको L2 स्विच से डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहले से L2 स्विच वर्क ओनली डेटा लिंक लेयर, जो OSI लेयर में जो डेटा लिंक लेयर आती है तो उसमें आप उसमें काम करते हैं जो L2 स्विच। L3 स्विच वर्क बोथ डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर, L3 स्विच को डेटा लिंक लेयर में भी काम होती है एंड नेटवर्क लेयर में भी काम होती है। देन इसके बाद हम लोग लेयर 2 स्विचेस हैज नो राउटिंग प्रोटोकॉल। लेयर 2 स्विच में हम लोग कभी भी उसको राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल नहीं कर सकते, बट लेयर 3 स्विच हैज राउटिंग प्रोटोकॉल। लेयर 3 स्विच में हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल को इनेबल कर सकते हैं। सो राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में आई होप आप लोग ने जाना होगा, जैसे स्टैटिक, डिफॉल्ट राउटिंग, रीप, OSPF, EIGRP हम लोग कॉन्फिगर कर सकते हैं जो L3 स्विच में, बट L2 स्विच में हम लोग कॉन्फिगर नहीं कर सकते। देन इसके बाद लेयर 2 स्विच में कैन नॉट डिफाइन राउट एंड लेयर 3 स्विच में डिफाइन राउट। देन इसके बाद हम लोग जो देखते हैं लेयर 2 स्विच में ब्रेक द कॉलिजन डोमेन बट नॉट ब्रेक ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये कॉलिजन डोमेन को ब्रेक करते हैं बट ब्रॉडकास्ट डोमेन को नहीं, ब्रॉडकास्ट स्विच को सॉरी। देन इसके बाद लेयर 3 स्विच में कैन ब्रेक बोथ डोमेन, जो कॉलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी दोनों को ब्रेक कर लेती हैं जो L3 स्विचेस। L2 स्विचेस क्या है तो देखिए मे बी मैनेज स्विच और अनमैनेज स्विच। L2 स्विच हम लोग ज़्यादा देखते हैं मैनेजेबल स्विच एंड अनमैनेजेबल स्विच भी देखते हैं,
Then layer 3 switches में हैं देखिए is always manage the switches. L3 switch manage कर सकते हैं, always manage कर सकते हैं जो L3 switch को. Then यहाँ पर last जो information है तो देखिए only user the MAC address for transmission. L2 switch the MAC address को देख लेते हैं and L2 switch को हम लोग IP नहीं use कर सकते हैं. L2 switch में only user the MAC address for the transmissions. Then L3 switch में हम लोग use both MAC address and IP address for transmissions. जो L3 switch में MAC address को भी काम में लेते हैं and IP address को भी काम में लेते हैं, कोई भी problem नहीं होगा. Then इसके बाद मैं आप लोग के लिए और भी इन details में आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ, आपको कोई भी problem ना आए. So L2 switch and L3 switch में ज़्यादातर जो इंटरव्यू में पूछते हैं जो L2 switch and L3 switch में difference क्या है, तब आपको ये थोड़ा सा point आपको बोलना पड़ेगा. जैसे L2 switch डेटा लिंक लेयर में काम करती हैं एंड L3 switch डेटा लिंक लेयर में काम भी कर सकती हैं एंड नेटवर्क लेयर में भी काम कर सकते हैं. L2 switch में हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल को इनेबल नहीं कर सकते हैं, L3 switch के हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. देन यहाँ पर हम लोग L2 switch ज़्यादातर मैनेजेबल होती है एंड अनमैनेजेबल भी होती है. देन L3 switch मैनेजेबल होना पड़ेगा, मोस्टली इम्पॉर्टेंट. देन L2 switch में हम लोग MAC address को देख के ट्रांसमिशन करते हैं एंड L3 switch में हम लोग दोनों के मिला के कर सकते हैं, जैसे MAC address एंड IP address को. देन इसके बाद मैं आप लोग को और भी डिटेल्स में बोल देता हूँ. तो देखिए L2 switch deals with frame but layer 3 switch deals with frame and packet both. देखिए L2 switch deals with frame but L3 switch deals with frame packet both. जो देखिए L2 switch deals a frame, एक frame तैयार करती हैं but L3 switch में deals with frame and packet both, दोनों के use करते हैं. देन इसके बाद हम लोग जो देखते हैं वी कैन नॉट कॉन्फिगर IP ऑन द फिजिकल इंटरफेस ऑफ ए लेयर 2 स्विच बट कैन कॉन्फिगर IP ऑन फिजिकल इंटरफेस ऑफ ए लेयर 3 स्विचिंग. जो देखिए वी कैन नॉट कॉन्फिगर IP, यहाँ पर हम लोग पहले ही बोल दिए थे जो देखिए लेयर 2 डिवाइस में हम लोग कभी भी IP को कॉन्फिगर नहीं कर सकते हैं. जो फिजिकल इंटरफेस होती है वहाँ पर हम लोग कॉन्फिगर नहीं कर सकते हैं एंड लेयर 3 स्विच में हम लोग फिजिकल इंटरफेस को कॉन्फिगर कर सकते हैं IP के थ्रू. देन इसके बाद लेयर 2 स्विचिंग प्रोवाइड ओनली स्विचिंग हेयर लेयर 3 स्विचिंग सपोर्ट स्विचिंग एंड राउटिंग. लेयर 2 प्रोवाइड ओनली स्विचिंग के लिए काम होती है एंड लेयर 3 स्विचिंग सपोर्ट दोनों ही करते हैं, स्विचिंग भी करते हैं एंड राउटिंग भी कर लेते हैं. देन ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने इसलिए दिया है, तो देखिए यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है मैं यहाँ पर बोल दिया हूँ. देन इसके बाद मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बस आप लोग को कोई भी परेशानी ना आए, तो मैं इसके लिए ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया हूँ. देन इसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, जो देखिए आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना आए. मान लीजिए आपका कोई भी ऑफिस में, मान लीजिए कोई भी जगह में आपके पास राउटर नहीं है, देन आपको प्रॉब्लम आ सकती है जो दोनों नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए. मान लीजिए आपके से के पास राउटर नहीं है, आपके पास एक L3 डिवाइसेस है, मान लीजिए ये L3 स्विचेस है, देन यहाँ पर एक नेटवर्क है, यहाँ पर भी एक नेटवर्क है. मान लीजिए ये जो नेटवर्क चल रही है 10.0.0.0.0 नेटवर्क में चल रही है और ये मेरा नेटवर्क चल रही है 20.0.0.0.0 नेटवर्क में ये चल रही है. तो देखिए ये दोनों में कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे एक राउटर का ज़रूरत है, तो मेरे पास कोई भी राउटर नहीं है बट मेरे पास L3 स्विचेस हैं, लेयर 3 स्विचिंग. तो यहाँ पर हम लोग टोटली राउटिंग प्रोटोकॉल को इनेबल कर सकते हैं. तो देखिए लेयर 3 स्विच सपोर्ट बोथ
स्विचिंग एंड राउटिंग, ये दोनों ही काम करते हैं, स्विचिंग भी काम करती है एंड राउटिंग भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। देन इसके लिए इस एग्जांपल में जो बोल रहा था, तो देखिए यहाँ पर आपके पास राउटर तो नहीं है, आप दोनों नेटवर्क को कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे L3 सपोर्टेड कुछ चाहिए जो राउटर एंड स्विचेस है। यहाँ पर आपके पास तो राउटर भी नहीं है बट आपके पास L3 स्विचेस हैं, उसके थ्रू हम लोग कोई भी प्रोटोकॉल रन करके हम लोग यूज कर सकते हैं एंड कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम लोग रीड स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, EIGRP और इस पर आप लोग टोटली देख सकते हैं, टोटली कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आई होप आप लोग को ये छोटा सा एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, जो L3 डिवाइस में हम लोग राउटिंग भी कर सकते हैं एंड स्विचिंग भी कर सकते हैं, बट L2 डिवाइस में हम लोग ओनली स्विचिंग का ही काम कर सकते हैं, या पर हम लोग राउटिंग नहीं कर सकते। आप L2 डिवाइस में हम लोग IP कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पर एक एरर मैसेज शो हो जाता है, जो हम लोग थोड़े देर में प्रैक्टिकल में देखेंगे। मैं L2 डिवाइस एंड L3 डिवाइस में दोनों में दिखाऊंगी। तो चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल के थ्रू जाते हैं। पहले हम लोग जो देख लेते हैं GNS3 में कैसे हम लोग L3 डिवाइस को इंटीग्रेट करते हैं। तो जिन लोग GNS3 को यूज़ करते हैं तो अच्छा है, एंड नहीं तो आप लोग पैकेट टेसर भी यूज़ कर सकते हैं। पैकेट टेसर में पहले से L2 डिवाइस एंड L3 डिवाइस पहले से इंटीग्रेट रहते हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं जो पैकेट टेसर में, दोनों में दोनों ही काम है, सेम टू सेम काम है, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट L2 स्विचिंग जो जैसे काम करते हैं एंड L3 स्विचिंग जो है, ये दोनों में बहुत सा डिफरेंसेस हैं, जो L2 में जो जो नहीं होती है L3 में ये हो जाती है। जैसे हम लोग IP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह चला सकते हैं एंड इंटरविनन राउटिंग भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये के लिए मुझे L3 डिवाइस मोस्टली इम्पॉर्टेंट, ये चाहिए, बट इसको हम लोग L2 में नहीं कर सकते। L2 में हम लोग IP कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, ओनली फॉर द स्विचिंग वगैरह कर सकते हैं। जो L2 में हम लोग जैसे विलन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, देन देखते हैं जो बिना विलन मैंने जो क्रिएट किया है वो मेरा सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, उसी तरह आप L3 में भी कर सकते हैं विलन वगैरह, देन वहाँ पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना। तो L2 से L3 बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा जो आप लोग L2 से L3 डिवाइस को आप लोग कोई भी इंटरप्राइज एरिया में, नहीं तो कोई भी ऑफिस एरिया में, कोई भी जगह पर आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं उसमें आप लोग L3 को यूज़ करिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो L2 से L3 तक L3 डिवाइस बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहती है, एंड आप लोग चाहेंगे तो L2 को भी कर सकते हैं, बट दोनों नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए आपको मोस्टली इम्पोर्टेंट एक राउटर चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास तो राउटर थे नहीं, जो मैंने जो ये जो एग्जांपल बोले हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। तो देखिए जो ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो L2 डिवाइस में जितना जो जो काम होती है उसमें कर सकते हैं, एंड L3 डिवाइस में हम लोग एक राउटर की जैसा यूज़ कर सकते हैं, जो राउटर में हम लोग सब कुछ चला सकते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह, जो 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 चाहिए, एनीथिंग इसमें हम लोग टोटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड वर्क भी कर सकते हैं, एंड कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैं रिकमेंडेड करूँगा, प्लीज़ आप लोग L3 डिवाइस को यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैं आप लोग के लिए बोलना चाहता हूँ। देन इसके बाद हम लोग जो देखेंगे GNS3 में कैसे हम लोग L3 डिवाइस को इंटीग्रेट करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए मेरा GNS3 ऑन हो चुका है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग L3 डिवाइस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। जो L3 डिवाइस का जो ISO है, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप चाहेंगे तो उसमें जाके आपको सिस्टम में
इंटीग्रेट कर सकते हैं जो GNS3 में। सो मेरा GNS3 थोड़ा सा ओल्ड वर्शन है, आपको GNS3 जब डाउनलोड करेंगे तब आपको थोड़ा सा इंटरफेस अलग सा दिखाई देगा। तो बट दोनों में सेम ही काम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जितना नया वर्शन भी यूज़ कर सकते कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड दूसरा ओल्ड वर्शन भी यूज़ कर सकते कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट दोनों में सेम टू सेम काम है। तो चलिए पहले आपको एडिट में जाना पड़ेगा। तो देखिए एडिट में जाने के बाद प्रीफरेंस में जाना पड़ेगा। प्रीफरेंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको IOS राउटर में क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए IOS राउटर में IOS टेम्पल्स, देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपको जो फर्स्ट करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर न्यू बोल के एक टैब है, न्यू में आपको क्लिक करना पड़ेगा। न्यू में आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नया विजर्ड ओपन हो जाएगा जो देखिए IO ईमेल, प्लीज चूज एन IO ईमेल। तो यहाँ पर जो IO ईमेल आप कहाँ पर रखे हैं उसका आपको लोकेशन देना पड़ेगा। आप डी टाइप में, नहीं तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स में, नहीं तो सी टाइप में, आप जहाँ पर ही रखे हैं उसका लोकेशन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ब्राउज में क्लिक करना पड़ेगा। ब्राउज में क्लिक करने के बाद जो मेरा ये है L3 का IOS इमेज जो स्विच के लिए, तो इसको आपको सिलेक्ट करके आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद ये आपका लोकेशन यहाँ से मिल गया है। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो कौन सा सीरीज है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। देन आपको मोस्टली इम्पॉर्टेंट ये काम करना ही करना है, नहीं तो ये स्विच के जैसा L3 स्विच काम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चेक मार्क है, तो मैं इसको चेक मार्क कर लेता हूँ। चेक मार्क करने के बाद तो देखिए दिस इज एन इथरनेट स्विच राउटर। तो देखिए ये इथरनेट स्विच एंड राउटर दोनों ही काम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इसमें आप अनचेक कर देंगे तो देखिए ये ओनली राउटर के जैसा काम करेगा, ये स्विच नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, इस चेक को चेक करना ही पड़ेगा। देखिए मैंने चेक किया, फिर से ये नाम को चेंज कर लिया ऑटोमेटिकली। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो डिफॉल्ट जो बाय डिफॉल्ट रैम ले लिया है 192 MB का जो बाय डिफॉल्ट रैम यहाँ पर ले लिया है। देन यहाँ पर आप रैम को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कस्टमाइज करने के पहले मैं आप लोग के लिए एक सजेशन देना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी एक लिंक है, देखिए चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम रैम रिक्वायरमेंट, इसमें आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक्सचेंज का वेबसाइट खुल जाएगा। देन यहाँ पर जो आपका जो आईओएस का जो लोक नाम है, यहाँ पर नाम को आपको पहले कॉपी करना पड़ेगा। नाम को कॉपी करने के बाद वहाँ पर एक फील्ड रहेगा, उस नाम को पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट नहीं तो राइट तरफ आपको इस आईओएस के लिए पर्टिकुलर कितना MB रैम चाहिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आपके काम के अनुसार आपका कैसा एनवायरनमेंट है उसी हिसाब से आप रैम को वहाँ पर चूज करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट है मैं वही रहने देता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा आप रैम को ही चेंजेस करना चाहते हैं कि नहीं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्लॉट करना पड़ेगा, स्लॉट्स यहाँ पर आप कौन सा स्लॉट लेना चाहते हैं। तो देखिए नेटवर्क एडाप्टर, तो देखिए प्लीज चूज द डिफॉल्ट नेटवर्क एडाप्टर दैट शुड बी इंसर्ट इनटू एवरी न्यू इंस्टेंस दिस राउटर। तो देखिए यहाँ पर एक ये राउटर की जैसा काम भी करेगा सेम टू सेम, एंड स्विच के जैसा भी आपको काम करेगा, मैं पहले ही बोल दिया। देन यहाँ पर आपको स्लॉट चूज करना पड़ेगा, आप यहाँ पर कौन सा स्लॉट लेना चाहते हैं ये भी आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। आप यहाँ पर इथरनेट लेना चाहते हैं, नहीं फास्ट इथरनेट लेना चाहते हैं, नहीं सीरियल लेना चाहते हैं, नहीं गीगाबिट इथरनेट लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा, आपके नेटवर्क इंजीनियर के ऊपर डिपेंडिंग रहेगा।
तो ये चलिए इसको मैं चूज कर लेता हूँ मेरे हिसाब से। तो देखिए, तो मैं इसके लिए इथरनेट ले लेता हूँ एक, और ये ले लेता हूँ, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडिंग रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ से स्लॉट चूज कर लिया हूँ। स्लॉट को चूज करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, जो आइडियल पीसी, हम लोग आइडियल पीसी को किस लिए यूज करते हैं, जो हम लोग का जब हम लोग GNS3 में रन करते हैं, GNS3 में कोई भी राउटिंग वगैरह, कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह रन करते हैं, तब हम लोग का जो प्रोसेसर, जो CPU का जो प्रोसेसर है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो CPU का प्रोसेसर हाई ज़्यादा होने में आपको सिस्टम में प्रॉब्लम भी आ सकती है, बट स्लो भी हो सकती है, बट हैंग भी हो सकती है। इसके लिए हम लोग आइडियल पीसी को यूज कर सकते हैं, जो मेरा जो CPU है 100% ना हो जाए। इसके लिए देन यहाँ पर आपको आइडियल पीसी में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक बाइनरी कोड आ जाएगा। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में यहाँ पर शो हो जाएगा। बस इतना आपको काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो देखिए ये लोडिंग। तो देखिए मेरा आइडियल पीसी फाइंडर हो चुका है। तो देखिए आइडियल पीसी वैल्यू, ये एक वैल्यू है, हैज बीन फाउंड सुइटेबल फॉर योर iOS इमेज। सो इस iOS के लिए ये मेरा वैल्यू अवेलेबल है एंड सुइटेबल भी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन इसके बाद हम लोग ओके में क्लिक कर लेते हैं। ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिनिश में क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए मेरा जो इथरनेट स्विच एंड राउटर है यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, एंड आप लोग यहाँ से टोटल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो जो बाय डिफॉल्ट जो किए हैं आप ले सकते हैं। देन यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी बाद में आपको चेंज करना पड़े, यहाँ पर आपको एडिट का बोलकर भी एक ऑप्शन है। एडिट में आप क्लिक करेंगे तो एक नया सा विजार्ड ओपन हो जाएगा। देन देखिए यहाँ पर जनरल मेमोरी स्टिक्स एंड स्लॉट्स एंड एडवांस। तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ मेरा GNS थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, तो ऐसा दिखाई दे दिया। जब आप नया वर्जन यूज़ करेंगे तो तब आपको थोड़ा सा इंटरफेस अलग सा दिखाई देगा, बट ये जो आप जो चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ वहाँ पर भी सेम टू सेम दिखाई देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जनरल में है, यहाँ पर आपको नाम को चेंज करना चाहते हैं तो देखिए नाम को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट जो मेरा जो नेम है वही रहने देता हूँ, यहाँ पर आप चेंज नहीं करेंगे मैं। तो देन इसके बाद मेमोरीज एंड डिस्क, यहाँ पर आप चाहेंगे तो रैम को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा एंड कम कोई भी रख सकते हैं। देन मोस्टली इम्पॉर्टेंट स्लॉट, यहाँ पर आप स्लॉट को भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। देन इसके बाद एडवांटेज, देन यहाँ पर एडवांटेज क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आइडियल पीसी वैल्यू है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। सो ये होती है जो एडिट का वर्जन, यहाँ पर आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन यहाँ पर आपको ओके में क्लिक करना पड़ेगा। ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई में क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई में क्लिक करने के बाद आपको ओके में क्लिक करना पड़ेगा। ओके में क्लिक करने के बाद ये विजार्ड चला जाएगा। देन यहाँ पर आपको ब्राउजर ऑल डिवाइस में आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए इथरनेट स्विच एंड राउटर यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। देन यहाँ पर आपको कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन यहाँ पर मैं दो पीसी ले लेता हूँ। तो देखिए, तो मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी दिखाई देता हूँ, बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देन मैं पहले आप लोग को लेयर टू डिवाइस, लेयर थ्री डिवाइस में थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ। देन इसके बाद लेयर थ्री डिवाइस एंड लेयर टू डिवाइस को हम लोग बाद में एक अलग सा एक प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो चलिए मैं इसके लिए जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम ना। ओके, तो देखिए यहाँ पर A0/1, A0/1/1। सो चलिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले आपको रन करना पड़ेगा, प्ले करना पड़ेगा। तो देखिए रन करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करके कंसोल में क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए कंसोल मेरा ओपन हो जाएगा। तो देखिए आपका कंसोल ऐसा दिखाई नहीं देगा, ये पुट्टी के जैसा ये ओपन हो जाएगा ब्लैक स्क्रीन। तो मेरे पास सिक्योर सीआरटी इंस्टॉल है, तो इसके लिए
ये मेरे दिखाई दे रही है। आपके सिस्टम में सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो आपके कुट्टी के जैसा ये ओपन हो जाएगा जो टोटली ब्लैक स्क्रीन होगा। तो चलिए दोनों में एक सेमी काम है, उसमें भी आप कमांड लाइन इंटरफेस कर सकते हैं या पर भी आप कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर आईपी वगैरह आप लोग टोटली कॉन्फिगर कर सकते हैं जो मैंने पहले बोल दिया है। तो चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ मैं दिखाई देता हूँ। तो देखिए शो वर्जन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस आईओएस का टोटल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं जैसा है। तो देखिए सिर्फ को आईओएस 36 सॉफ्टवेयर हैं, देन इसका वर्जन क्या है 12.4। यहाँ पर आप टोटली इंफॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं, आपको जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप टोटली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे है तो देखिए 1 इंटरफेस एंड 17 फास्ट इंटरनेट इंटरफेस एंड 4 सीरियल इंटरफेस यहाँ पर अवेलेबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन यहाँ पर आपको 253 के बाइट्स एमबी रैम भी यहाँ पर है। देन इसके बाद हम लोग देखिए पहले मैं आप लोग के लिए कैसे हम लोग आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, तो चलिए मैं आप लोग के लिए दिखाई दे रहा हूँ। तो देखिए आप पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद यहाँ पर आपको आईपी इंटरफेस चूज करना पड़ेगा। इंटरफेस जाने के बाद तो देखिए मैं इंटरफेस के अंदर चला गया। इंटरफेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको आईपी देना पड़ेगा। तो बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ। तो देखिए जब भी आप L2 को आप L3 डिवाइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपके सिस्टम में आपके स्विच में एक L2 डिवाइस है, L2 स्विच है, इसको आप L3 डिवाइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब आपको एक काम करना पड़ेगा। उसके लिए नो स्विच पोर्ट कमांड यहाँ पर देना पड़ेगा। ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है जो L2 डिवाइस को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं L3 डिवाइस के लिए, ओनली उस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पर L3 डिवाइस है, तो ये मान लीजिए ये L3 डिवाइस है, ठीक है मान लीजिए, देन ये मान लीजिए ये L2 डिवाइस है, देन आपको एक काम करना पड़ेगा, तब आपको नो स्विच पोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको L2 डिवाइस को मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, तो बाद में आपको भी प्रॉब्लम ना, इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है होगी। तो चलिए तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के बाद मैं इसको कंसोल में ले लेता हूँ। तो देखिए जब भी आप L2 डिवाइस को L3 डिवाइस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, देन आपको जिस पोर्ट के अंदर आईपी देना चाहते हैं, देन यहाँ पर आपको इंटरफेस के अंदर जाने के बाद नो स्विच पोर्ट देना पड़ेगा। नो स्विच पोर्ट कॉमन मोस्टली इम्पॉर्टेंट, ये आप नहीं देंगे तो ये आप कभी भी L2 स्विच में हम लोग आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आप ये भी आप लोग को दिखाऊंगी। तो देखिए मैं इंटरफेस के अंदर जाने के बाद मैं आईपी देना चाहता हूँ, देन यहाँ पर एक जीरो मैसेज शो हो जाए, देन वहाँ पर आपको नो स्विच पोर्ट कॉमन देना पड़ेगा। तो देखिए इसके बाद हम लोग, तो देखिए ये लोडिंग हो रही है, चलिए कोई बात नहीं है, ये है मेरा L3 स्विच और ये है मेरा L2 स्विच, देन यहाँ पर नो स्विच पोर्ट कॉमन देना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये नहीं लेते हैं, चलिए बट L3 स्विच में आपको देना पड़ेगा। तो देन यहाँ पर IP एड्रेस दे लेता हूँ। IP एड्रेस देने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी IP सेट कर लेता हूँ, देन यहाँ पर कोई सबनेट मास्क दे देता हूँ, देन यहाँ पर आपको नो शर्ट प्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए ये टोटली आप हो जाएगा। तो देखिए मेरा पोर्ट टोटली आप हो चुका है। तो देखिए चेंज सेट टू आप, देन यहाँ पर आप टोटली देख सकते हैं जो मेरा पोर्ट सक्सेसफुल ऑन हो चुका है कि नहीं। इसके लिए डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर हूँ तो इसके लिए मैं डू को यूज़ कर रहा हूँ। मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल से बाहर आ जाता तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मारेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए मैं इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा फास्ट इंटरनेट 0.01 में जो मैंने आईपी दिया है, तो देखिए यहाँ पर पोर्ट आप है।
देन यहाँ पर ये तो मैंने एल टू स्विच को मैंने बोल दिया है। तो देखिए एल टू स्विच है मेरा, ये है एल टू स्विच। एल टू स्विच को हम लोग एल थ्री में कन्वर्ट करेंगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल में जाएंगे। इनेबल में कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पर इंटरफेस के अंदर आपका ये गीगाबिट इंटरनेट पोर्ट है, तो मैं इस पोर्ट के अंदर चला गया है। देन इसके बाद हम लोग आईपी एड्रेस को असाइन करेंगे, तो देखिए क्या एरर मैसेज आती है। तो देखिए, तो इसके लिए मैं एक आईपी दे देता हूँ, आईपी एड्रेस। तो मैंने यहाँ पर आईपी सेट कर लिया है। तो देखिए आईपी सेट करने के बाद यहाँ पर मैं इंटरफेस करूँगा, तो देखिए एक मैसेज शो होगा। तो देखिए इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड एट मार्कर, ये आईपी एड्रेस को असाइन कभी भी नहीं करेगा जब तक आप नो स्विच पोर्ट कॉमन नहीं देंगे। तो देखिए मैं इस बार नो स्विच पोर्ट को इनेबल कर लेता हूँ। तो देखिए नो स्विच पोर्ट आ चुका है। देन इसके बाद आपको एंटर में प्रेस करना पड़ेगा। एंटर को प्रेस करने के बाद मैं उसी का सेम आईपी यहाँ पर एंटर मारूंगा, तो देखिए ये पोर्ट मेरा ऑफ हो चुका है। तो इसके लिए नो शॉट दे देता हूँ, नो शॉट। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मैं दे देता हूँ, मेरा पोर्ट मेरा ऑन हो चुका है कि नहीं। तो मैं जानता हूँ कि मेरा पोर्ट ऑन हो चुका है, तो मैं आप लोग के लिए दिखाने के लिए मैं इसको ऑन दिखाई दिया हूँ। तो देखिए मेरा पोर्ट मेरा ऑन हो चुका है, स्टेटस भी ऑफ है एंड प्रोटोकॉल भी ऑफ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन इसके बाद हम लोग दोनों स्विच में हम लोग कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सेम नेटवर्क में कैसे हम लोग आईपी देते हैं मैंने पहले दिखाई दिया हूँ। तो देन इसके बाद हम लोग कैसे कम्युनिकेशन करेंगे सेम नेटवर्क में, तो चलिए मैं आप लोग के लिए दिखाई देता हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से एक स्विच को ले लेता हूँ। स्विच को लेने के बाद मैं इसको जस्ट मैं कोई भी पीसी वगैरह नहीं लगाऊंगी, मैं आप लोग के टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो देखिए मेरा पोर्ट है 5.0/0 एंड इधर भी है मेरा 5.0/0, ये है मेरा स्विच 1 एंड ये मेरा है स्विच 2। चलिए तो मैं इसको टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। मेरा देखिए टर्मिनल ओपन हो चुका है। देन इसके बाद हम लोग स्विच नंबर 2 को भी मैं ऑन कर लेता हूँ। तो चलिए तो मेरा देखिए ये मेरा टर्मिनल ऑन हो चुका है, ये लोडिंग हो रही है। चलिए कोई बात नहीं है, तो लोडिंग शायद कंप्लीट हो चुका है। लोडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन टूल में जाते हैं। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद तो देखिए यहाँ पर आईपी एड्रेस इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा। फर्स्ट इंटरफेस ए पे 0/0। तो देखिए मैंने जैसे हम लोग राउटर में आईपी देते हैं उसी तरह यहाँ पर भी सेम आईपी देना पड़ेगा। देन यहाँ पर आईपी एड्रेस या तो कोई भी एक आईपी एड्रेस दे लेता हूँ, ऐसे ही ले लेता हूँ, आपके डिपेंडिंग रहेगा आप क्या यहाँ पर लेना चाहते हैं। देन यहाँ पर आपको नो शॉट प्रेस करना पड़ेगा। नो शॉट को प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए ये पोर्ट ऑफ हो जाएगा। देखिए मेरा पोर्ट ऑफ ऑन हो चुका है। देन इसके बाद यहाँ पर आप मेरा तो पोर्ट ऑन हो चुका है, तो यहाँ पर आप लोग के लिए देखने के लिए आप डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मैंने किस लिए दिया है, तो देखिए मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल से नहीं आउट नहीं हुआ अभी तक, मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर ही हूँ, इसके लिए पहले मैं डू दे दिया है। तो आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल से बाहर आ जाएंगे जब तक, तब आपको डू देना नहीं पड़ेगा। देन आपको ओनली एक कमांड देना पड़ेगा जो है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मानेंगे तो आपको ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए मेरा ये इस पोर्ट के लिए मेरा पोर्ट ऑफ हो चुका है। तो देखिए फर्स्ट रिटर्न 0/0, देन इसका जो आईपी है तो मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ, स्टेटस भी ऑफ है एंड प्रोटोकॉल भी यहाँ पर ऑफ है। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग राउटर 2 में जाते हैं। राउटर 2 के अंदर क्या है तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो देखिए 5.0/0 है ये इसको भी। तो चलिए मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद 5.0/0 के अंदर देता हूँ। देन इसके बाद आईपी एड्रेस, यहाँ पर कोई भी उसी क्लास का हम लोग आईपी देंगे, यहाँ पर आप दूसरे दे देंगे तो आपको कभी भी पिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आईपी सेट कर लेता हूँ। आईपी सेट करने के बाद नो शॉट को मैं प्रेस कर लेता हूँ। नो शॉट को प्रेस करने के बाद ये पोर्ट आपके सिस्टम में
आप हो जाकर या फिर भी आप मैसेज देख रहे हैं कि या फिर मैं इस टाइम नए कॉन्फ़िगर टर्मिनल से बाहर आ जाता हूँ। देखिए नए कॉन्फ़िगर टर्मिनल से बाहर आ गया, देन यहाँ पर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देंगे तो देखिए मेरा पोर्ट आप ऑन हो चुका है। तो देखिए मेरा पोर्ट टोटली ऑन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रिटर्न में 0x0 ये है। देन इसके बाद हम लोग राउटर 2 से, ये है मेरा राउटर 2 और ये है मेरा स्विच 1, स्विच 2 और ये है मेरा स्विच 1। देन इसको हम लोग पिंग करके देखेंगे स्विच 2 से स्विच 1 तक हम लोग मेरा पिंग सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं। तो चलिए मैं इसको पिंग करके देख लेता हूँ। 1.1.1 इसका जो आईपी था जो स्विच 1 का, तो चलिए मैं पिंग करके देख लेता हूँ मेरा पिंग हो रही है कि नहीं। यस मेरा पिंग सक्सेसफुल हो रही है। तो किस लिए होती है, ये आपको सेम टू सेम नेटवर्क में है इसके लिए आपको पिंग सक्सेसफुल हो रही है, पर ये दूसरा नेटवर्क में रहेगा तो ये कभी भी आपको पिंग सक्सेसफुल नहीं होगा, बट आप कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते। मान लीजिए ये मेरा 1.1.1 नेटवर्क है, मान लीजिए 1 नेटवर्क है और ये मेरा 5.5.5 नेटवर्क है, तो 1 और 5 तो दोनों में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। देन इसके लिए आपको राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा। राउटिंग प्रोटोकॉल जब आप चलाएंगे इसके अंदर, देन आपको फर्स्ट कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पर आईपी राउटिंग देना पड़ेगा। देन आईपी राउटिंग देने के बाद यहाँ पर आप जो आप रीप चलाना सकते हैं, ओएसपी कर सकते हैं, स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं, रिपो राउटिंग कर सकते हैं, या ईपी जे आर पी कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन यहाँ पर मान लीजिए मैं राउटर रीप चला सकता हूँ, मान लीजिए रीप मैं दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। देन इसके बाद नो ऑटो समरी कमांड दे देता हूँ, तो देखिए देन इसके बाद वर्षन 2 इतना वर्षन चला सकते हैं। देन आपका जो नेटवर्क है, देन आपको नेटवर्क देना पड़ेगा। देन आपका नेटवर्क जब देंगे ये पर्टिकुलर एनेबल हो जाएगा रीप के लिए। देन हम लोग जैसे हम लोग देखे थे जो राउटिंग प्रोटोकॉल को इनेबल कर सकते हैं रीप की जैसे, तो यहाँ पर आप EIGIP, OSPF, static, default routing की कॉन्फिगर कर सकते हैं। देन आपको जब भी राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे तब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईपी राउटिंग देना पड़ेगा। आईपी राउटिंग नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैं रीप मैंने दिखा दिया हूँ, तो देन यहाँ पर हम लोग EIGIP कॉन्फिगर करेंगे, राउटर EIGIP 1 देंगे। तो देखिए राउटर EIGIP 1 देंगे तो देखिए मेरा EIGIP के अंदर चला गया है। तो यहाँ पर आप EIGIP कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह हम लोग OSPF का अंदर करेंगे तो देखिए राउटर OSPF 1 करेंगे तो देखिए मैं OSPF के अंदर चला गया हूँ। तो देखिए ये OSPF के अंदर है, तो देखिए यहाँ पर आप OSPF कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जो लेयर 2 डिवाइस में एंड लेयर 3 डिवाइस में क्या है। देन यहाँ पर भी आप क्लियरेंस वगैरह कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेयर 2 में जो जैसे होती है एंड लेयर 3 में भी इसी तरह सेम टू सेम क्लियरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं है जो लेयर 2 में अलग सा दिखाई देगा एंड लेयर 3 में अलग सा दिखाई देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड लेयर 3 में प्रोसेस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप जैसे हम लोग क्लियरेंस क्रिएट करते हैं उसी तरह आपको करना पड़ेगा। एंड जो क्लियरेंस का जो आउटपुट होगा, जो हमने जो क्लियरेंस को क्रिएट किया है वो भी आपको सेम टू सेम दिखाई देगा, कोई भी अलग सा ऐसा कोई बात नहीं है। बट लेयर 3 डिवाइस में आपको बहुत जो लेयर 2 में जैसे हम लोग एंड ऑफ डिवाइस के अंदर जो रखते हैं, जो एंड ऑफ डिवाइस जो मानते हैं हम लोग एक्सेस लेयर को, उससे बहुत ये फास्ट है और इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। जो लेयर 2 डिवाइस में हम लोग जितना प्रेशर नहीं डाल सकते, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एंड इसके बाद
आप यहाँ पर राउटिंग प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाई दिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिए एंड दोस्तों वगैरह में शेयर करना ना भूलिए। एंड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं L3 स्विच का ISO जो फाइल है मैं दे दूंगा, आप चाहेंगे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके एंड इंस्टॉल कर सकते हैं आपको GNS। एंड कोई कोई लोग कोई भी जगह में बोलते हैं L3 को मल्टी लेयर स्विचिंग पुल बोलते हैं, आप सुन सकते हैं कोई भी जगह में मल्टी लेयर स्विचिंग। सो L3 डिवाइस को आप बोलते हैं मल्टी लेयर स्विचिंग। सो इस वीडियो का आप जरूर लाइक करिए एंड दोस्तों वालों में शेयर करना ना भूलिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं जब भी नया वीडियो दूंगा तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आपको नेटवर्किंग रिलेटेड फुल वीडियो मिल जाएगा बेसिक टू एडवांस लेवल तक। एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं ये ट्यूटोरियल के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आप लोग के लिए हेल्प कर दूंगा। एंड आप लोग कौन सा नेटवर्क टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं वो भी प्लीज़ मेंशन कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल क्रिएट करने के बाद आप लोग को प्रेजेंट करने के लिए। सो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।